मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की। राग कोयारी भजन बारहो। मालिक सभजे मन में आहे। मालिक सभजे मन में आहे। जग जो पालन हारो प्रीतम प्यारो। जग जो पालन हारो प्रीतम प्यारो। मालिक सभजे मन में आहे। मालिक सभजे मन। जंहिंजे ताक़त सां जीव जग में। जंहिंजे ताक़त सां जीव जग में। करम करे थो सारो प्रीतम प्यारो। करम करे थो सारो प्रीतम प्यारो। मालिक सभजे मन में आहे। मालिक सभजे मन में। जागृत सुपन सुशोपत जो सो। साखी सिरजण हारो प्रीतम प्यारो। ओ साखी सिरजण हारो प्रीतम प्यारो। मालिक सभजे मन में आहे। मालिक सभजे मन। नाए चवां कीअं हर हंधि आहे। चेतन जो चमकारो प्रीतम प्यारो। ओ चेतन जो चमकारो प्रीतम प्यारो। मन में आहे। मालिक सभजे मन। कहते ऊसो सर्व व्यापक आहे। नभ जीअं न्यारो प्रीतम प्यारो। ओ आहे नभ जीअं न्यारो प्रीतम प्यारो। मालिक सभजे मन में आहे। मालिक सभजे मन। राग कोयारी भजन बारह। राग कोयारी भजन बारवा। मालिक सभजे मन में आहे। जग जो पालन हारो प्रीतम प्यारो। ठीक कोयारी राग के इस भजन में वंदनीय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊंराम जी महाराज ईश्वर की सर्वव्यापकता का बखान कर रहे हैं कि वो प्रीतम प्रभु परमात्मा जो सारी सृष्टि को रचाने वाला है वो उस सृष्टि के अंदर समाया हुआ है। संसार को पालने वाला भी वही है और सबके हृदय के अंदर बैठा हुआ है। श्रीपति प्रथम नमामि मम योगी हृदय निवास। भोगी हृदय उदास जो वे मम सुमति प्रकाश। सबके अंतर में बैठे हैं चाहे योगी हो चाहे भोगी हो उनको मानने वाला हो या नास्तिक हो लेकिन सबके हृदय में प्रभु परमात्मा का निवास है। जंहिंजे ताकत सां जीव जग में। कर्म करे थो सारो उसकी सत्ता से संसार में प्रत्येक कार्य चल रहा है और प्रत्येक जीव शरीरधारी जिसका शरीर जड़ है लेकिन जीव उसके अंदर निवास करता है। ईश्वर का अंश जीव
उसमें निवास करता है, उसी से वो प्रकाशित होता है, चेतन सत्ताओं से प्राप्त होती है, कर्म करने की शक्ति देने वाले वही प्रभु परमात्मा है। जागृत स्वप्न सुषोपत जोसो साखी सृजनहारो, जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो या सुषुप्ति अवस्था हो, तीनों अवस्थाओं को वो जानता है, उनका साक्षी है, वो सृजनहार संसार को बनाने वाला सब बातों को जानता है। ना है चमा किया हर हंद आहे चेतन जो चमकारो, ऐसा नहीं कि कहीं पे उसका अभाव हो, सब जगह पे वो व्यापक है, सर्वत्र है, और उस चेतन सत्ता के प्रकाश से शक्ति से सारा ब्रह्मांड संसार चल रहा है। कहे टेऊं सो सर्वव्यापक आहे नभ जिय न्यारो, सब जगह व्यापक भी है, व्यापक होते हुए भी वो निर्लेप है, जैसे आकाश निर्लेप है उसी प्रकार से वो परमात्मा व्यापक होते हुए भी निर्लेप रहता है, अलग रहता है। तो उस ईश्वर की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे साक्षी चेतन को मेरा प्रणाम है। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेमसा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी, भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्वाणी, अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊं राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ, अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत, भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊं राम के है उपकार अनंत, दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत, सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश, अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश,
अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।